तकरीबन बैनर जो हमारा रहेगा वो 940 बाय 450, ये हमारा साइज रहेगा। और यहाँ पे मैं एक पहले बैकग्राउंड ला के रखूँगा। मैंने ऑलरेडी कुछ एक इमेज जो है वो डाउनलोड करके रखी है, PNG फाइल है, ठीक है। और ये हमारा बैनर का साइज है। सबसे पहले हम इसमें एक बैकग्राउंड ला के रखेंगे। बैकग्राउंड के लिए हम जाएंगे पिक्सल पर, और ये हमारा बैकग्राउंड प्री डाउनलोडिंग डाउनलोड, डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड हो गया है, शो इन फोल्डर, यहाँ से इसको ले लेंगे हम फोटोशॉप में। फोटोशॉप में ओपन कर दिया, मूव टूल लेंगे। मूव टूल लेने के बाद हमारा जो भी बैकग्राउंड जहाँ पे हमें रखना है यहाँ पे रख देंगे। बैकग्राउंड में अच्छे से ऐसे काइट दिख रहे हो, कंट्रोल प्लस माइनस कर दीजिए, जूम आउट कर दीजिए, रेक्टेंगल टूल लेके, ट्रांसफॉर्म टूल लेके, मूव टूल लेके इसको आप डाउन कर सकते हैं। इसमें से मुझे दो चीज़ें निकाल देनी है, तो ये जो लेडी है उसको निकाल देंगे, और काइट का ही होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल टूल ले लूँगा, रेक्टेंगल शेप शेप बनाऊंगा मैं, आप हाफ शेप बना देंगे। इसमें मैं कलर ऐड कर दूंगा, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में हम ऐड करेंगे 2 कलर। फर्स्ट कलर जो हमारा रहेगा वो रहेगा पिंकिश, देन नेक्स्ट जो कलर रहेगा वो ब्लू इज पिंक, यानी इस तरह का। ओके दे देंगे। यहाँ से इसका डिरेक्शन हम चेंज करेंगे, लीनियर ही चाहिए हमें और ऐसा कुछ चाहिए इस तरह का, ठीक है। मुझे इसको साइड में क्रॉप करना है, तो यहाँ से लेंगे सब सिलेक्शन टूल, यानी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा दोनों पॉइंट को, शिफ्ट यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, स्लाइड, मूव टूल लेंगे, मूव कर देंगे, से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, शिफ्ट होल्ड करेंगे ताकि जो मेरा पॉइंट है वो दूसरी डिस्टॉर्ट ना हो जाए। ये हमने बैकग्राउंड जो है हमारा वो सेट कर दिया है। अब इसको मुझे करना है थोड़ा सा ब्लर, जो लेयर है उसको, फिल्टर में जाएंगे, यहाँ से लूँगा मैं लेंस करेक्शन, सॉरी लेंस करेक्शन नहीं, फिल्टर में जाएंगे कैमरा रो फिल्टर, ओके। अब इसको मैं थोड़ा सा ब्लूइश करूँगा, एक्सपोजर थोड़ा कम करूँगा, ओके दूँगा। फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे, यहाँ से दूंगा मैं लेंस ब्लर, इतना काफ़ी रहेगा, ओके देंगे, ब्लर हो गया। मैं यहाँ पे इस कैरेक्टर को ला देंगे, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, कहाँ गया ये रहा, इसको यहाँ से मूव करो, यहाँ पे लाके रख दो। आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो इसका मोड है वो इंडेक्स है, हमें जो मोड रखना है वो है हमारा इमेज एडजस्टमेंट मोड में जाएंगे, RGB मोड कर देंगे। अगर RGB मोड आपने किया है तो कन्वर्ट टू आपको नॉर्मल लेयर करना पड़ेगा। और इसको हम पहले तो कट कर देंगे, PNG में लाया था लेकिन नहीं आई। यहाँ से क्यूक सिलेक्शन टूल लेंगे, इसके ऊपर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप, को पता ही है क्यूक सिलेक्शन टूल, नहीं पता है तो मेरा आगे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं उसमें जाके आप देख सकते हैं।
प्रॉपर क्यूक सिलेक्शन टूल का यूज, माइनस कर देंगे कंट्रोल जेड, साइज छोटा करेंगे, ब्रैकेट प्रेस करेंगे और यहाँ से मैं प्लस ऐड करूँगा दूसरा, इसको माइनस करेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी आ गया। यहाँ पे प्रॉब्लम है, बालों में निकाल दो इसको, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, सिलेक्ट ओके। तो आप परफेक्ट सिलेक्शन कर लीजिए जिस तरह से आप कर सकते हैं, चाहे पेन टूल से भी आप कर सकते हैं और बहुत सारे फोटोशॉप में ऑप्शंस है जिसका आप यूज करके किसी की ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले जो पोर्शन है उसको हम ऐड कर देंगे, भी सिलेक्ट ना हो। मूव टूल लेंगे, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपल, और यहाँ से इसका साइज कर देंगे बड़ा, साइज कर देंगे यहाँ से छोटा, राइट क्लिक करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे, वेरी गुड। सिलेक्शन हुआ है पर उतना परफेक्ट नहीं हुआ है, सिलेक्ट एंड मास्क करेंगे, रेडियस स्मूथनेस थोड़ी ऐड कर देते हैं, फेदर ऐड कर देते हैं, कॉन्ट्रास्ट जो है थोड़ा ऐड कर देते हैं, न्यू लेयर विथ लेयर मास्क। ठीक है, यहाँ से प्रीव्यू देखते हैं कैसा लग रहा है, यस यस, थोड़ा तो प्रॉब्लम रहेगा ही। अब इसको यहाँ से ले जाते हैं इस सिलेक्शन में, और इस सिलेक्शन में आप देख रहे हैं डिफरेंस, कंट्रोल टी करेंगे, साइज छोटा करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे, यहाँ से देंगे ओके और यस, मास्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे वाइट कलर जो अभी ये देख रहा है, यहाँ से रीसेट टूल, ब्रश में चले जाएंगे, साइज बड़ा कर देंगे के, ब्लैक कलर ऐड कर दो, तो भी आपको टचिंग करना है, टचिंग कर सकते हैं आप। यहाँ पे मुझे ऐड करना है थोड़ा सा पीछे स्पार्क, तो स्पार्क कैसे ऐड करेंगे, नया लेयर लेंगे, यहाँ से ब्रश टूल लेंगे, यहाँ से इसका साइज जो है, तो फिर गूगल में इसे भी हम डाउनलोड कर सकते हैं स्पार्क, इसी को ले लेते हैं, कॉपी इमेज करते हैं, या तो फिर दूसरा कोई अच्छा हो, चलो इसको पेस्ट करके देख लेते हैं। कंट्रोल वी मोड में जाएंगे, डार्कर कर देंगे तो डार्कर देखिएगा, मल्टीप्लाई कर देते, स्क्रीन कर देते हैं, कंट्रोल टी करेंगे, इसको नीचे ले लेते हैं, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसको मास्क दे देंगे, ब्रश टूल लेंगे, जितना पोर्शन यहाँ पे नहीं चाहिए उसको आप इरेज कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से भी आप कुछ स्पार्किंग दे सकते हैं, स्पार्क इसको थोड़ा सा फैक्ट्स में जाके ड्रॉप शैडो ऐड कर देते हैं, इसका कलर रखेंगे ब्लैक, नीचे की साइड रखेंगे ओपेसिटी रखेंगे कम, मोर कलर बन डार्क लाइट, ओके
के दे देंगे। सो ये कुछ बनाया है, देन यहाँ पे डालेंगे एक नया लेयर ऐड करेंगे, न्यू लेयर यहाँ पे ऐड करेंगे, रेक्टेंगल ले लूँगा मैं यहाँ पे, जहाँ पे हम डालेंगे इंफॉर्मेशन कंपनी की, व्हाट अबाउट डूइंग इन कंपनी, ओके ना तो बहुत है। देन यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे, नया लेयर लेंगे, एक सर्कल यहाँ पे बना दो, कलर ऐड कर देंगे, एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे आएगा, एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे डाल देंगे, एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे इसको बंद करना पड़ेगा। अच्छा है, और यहाँ पे ये टैक्स एंजॉय एंजॉय एंटर लाइफ साइज कर देंगे छोटा, रख देंगे यहाँ पे, बड़ा साइज है। टेक्स्ट फिलिंग में जाएंगे, कैपिटल निकाल देंगे, सिर्फ जो है यही कैपिटल रहेगा, देन एंजॉय लाइफ। थोड़ा बहुत मैंने साइज कम करना पड़ेगा, साइज कम कर दीजिए, रख दीजिए, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। क्यूआर कोड डालेंगे हम एक, सिंपल कॉपी इमेज, फोटोशॉप में जाइए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल टी, साइज छोटा कर दीजिए, यहाँ पे करेंगे स्कैन क्यूआर कोड, ठीक है, बराबर है। यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी कॉपी मीटर, क्लिक एंड ड्रैग, साइज कर देंगे 12, कॉपी मीटर की जो साइज रहती है 12 रहती है, यहाँ पे कर देंगे कैलिब्री फॉन्ट, कैलिब्री लाइट रख देंगे, यहाँ से दे देंगे इसको फुल जस्टिफाई, पैराग्राफ में जाएंगे कर देंगे फुल जस्टिफाई, ठीक है, टेक्स्ट कंट्रोल वी कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ठीक है, और थोड़ा साइज बड़ा करेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया, कम कर देते हैं, ओके। ध्यान हम लिखेंगे हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति, ठीक है, इसको यहाँ पे ले लेंगे, कुछ ऐसा आइडिया लेते कि इस तरह से कुछ कर सकते हैं, राइड भी रख सकते हैं, पीएनजी है ये, कॉपी दिस इमेज देन पेस्ट, सॉरी कंट्रोल बी, हैप्पी मकर संक्रांति, ऐसा भी कुछ बना सकते हैं, जरूरी नहीं है, कंट्रोल बी कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल बी,
कोई कंसेप्ट नहीं था, सिर्फ सोचा मैंने कि चलो मकर संक्रांति है कल, तो कुछ बनाते हैं। फ़ॉन्ट आपके पास अच्छे होने चाहिए, तभी प्रॉपर डिज़ाइन बनेगा, वरना फिर सिंपल। इसको हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। क्विक सिलेक्शन टूल ले लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने लिया। इसको कर दूंगा मैं पेन टूल से, खाली काइट ले लेते हैं, खाली लगे। मेक सिलेक्शन कर दीजिए, यहाँ से चले जाइए यहाँ पे, देन इसका साइज आएगा छोटा। यहाँ पे डाल देंगे आइकन, म्यूजिक टूल लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट मेनू में जाएंगे, इनोस प्रेस कर देंगे, अनडिलीट। बैकग्राउंड जो था वो मैंने निकाल दिया है, कंट्रोल टी किया, साइज कम किया, रख दिया। देन व्हाट, एक नंबर ऐड कर देंगे, यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। नंबर इज 4008009 00। कंट्रोल ए, फॉन्ट ले लेंगे कैलिप्री बोल्ड, साइज कर देंगे छोटा, 68 की जगह आएगा 18, एंटर। कैन कॉल एनी टाइम फॉर मी ऑन दिस नंबर।
ये छोटा सा हमने डिज़ाइन, कुछ मालूम नहीं था क्या बनाऊँ, लेकिन कुछ बनाना था रिलेटेड टू द मकर संक्रांति। यहाँ पे कहीं पे आप अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं। भगवान, हो गया इस तरह का है कुछ।